हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। तो गाइस, आज अभी अराउंड ऑफ 1:30 होने वाले हैं और आज का जो हमारा शेड्यूल है वो ये है कि हम लोगों को आज डॉक्टर के पास जाना है। तो बस मैं तो तैयार होने वाली हूँ, बस ड्रेस चेंज करनी बाकी है। मम्मी पापा ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। ठीक है, पापा अंदर खाना खा रहे हैं अभी, मम्मी खाना खिला रही हैं पापा को। एक बार तैयार हो जाएंगे तो फिर हम सब लोग निकलेंगे डॉक्टर के लिए। ये डॉक्टर हमारे थोड़ा इस तरफ हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं और ये इधर बैठते हैं अपना। सहारनपुर में ही एक जगह है, उधर उन लोगों का क्लिनिक है। तो काफ़ी भीड़ रहती है उस क्लिनिक में, मतलब जब जाते हैं तो बहुत जल्दी से नंबर नहीं आता। तो अब देखते हैं कि कितनी जल्दी नंबर आएगा। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ क्लिनिक के पास में। बाय। तो गाइस, हम लोग ऑलरेडी कार में बैठ चुके हैं। ठीक है, मेरे साथ में मम्मी बैठी हुई हैं बगल में और हम लोग धीरे धीरे कार चला रहे हैं और अपना क्लिनिक की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे पापा बैठे हुए हैं, ये देखिए, और हमारे ड्राइवर जो हैं वो गाड़ी चला रहे हैं। तो अब हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। तो लेट्स सी यू अराउंड क्लिनिक के टाइमिंग पे, मिलते हैं आपसे। अभी डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन डॉक्टर के पास बहुत लंबी वेटिंग है। तो अभी हमें सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। कितनी देर मम्मी? आधा पौन घंटा लगेगा पूरा। देखते हैं तब भी नंबर आता है कि नहीं आता है। इतना टाइम लग जाता है वहाँ पर। तो गाइस, हमारा नंबर आ चुका है। ठीक है, मैं और मम्मी डॉक्टर के पास जाने वाले हैं। मम्मी पीछे छुप रही हैं। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलती हूँ डॉक्टर्स के क्लिनिक से आने के बाद। लास्ट मिनट वेटिंग हमारी चल रही है और डॉक्टर के पास जाने के लिए। लेट्स सी क्या होता है। एक्चुअली मैं डॉक्टर के यहाँ पर ये अलाउड नहीं था कैमरा वगैरह करना, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा करके कैमरा से ऐसे दिखा दिया है, बट वहाँ पे अलाउड बिल्कुल भी नहीं था, मना कर रहे थे। हम लोग निकल चुके हैं, हमने डॉक्टर को दिखा दिया, जो भी हमारा काम था वो हमारा हो चुका। अब हम मम्मी चल रही है, मम्मी मेरे साथ साथ चल रही है, हंस रही है। ठीक है, अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ है मेरी वो? पापा भी आने वाले हैं, दवाइयाँ लेके आ रहे हैं वो। ठीक है, और उसके बाद हम अपने घर जाएंगे। तो गाइस, डॉक्टर के तरफ से आके, क्लिनिक से आके हम लोग घर आ चुके हैं। अभी 3:00 हो चुका है। अभी 3:30 के अराउंड हमारा स्वीपर आता है, जो कैट्स वगैरह का जो भी क्लिनिक वगैरह करनी होती है वो ही करते हैं। तो 3:30 के अराउंड वो आ जाएंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ, हम चलते हैं तो देखते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मी अपने सीरियल्स देख रही हैं आराम से बैठ। कौन सा सीरियल देख रही है? अनुपमा। अनुपमा चल रहा है। ठीक है, तो मम्मी तो अपने सीरियल्स देख रही हैं। मैं भी यहाँ पे अभी थोड़ा सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ। मैं भी डॉक्टर के अंदर जाके थोड़ा सा थक गई हूँ, तो सोच रही हूँ थोड़ा सा हल्का सा एक नैप ले लूँ। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपको एक नैप के बाद। हाय गाइस, तो गाइस एक्चुअली मेरा सारा काम हो चुका है। जो भी दिन का मैंने शेड्यूल बनाया था कि आज मुझे ये करना है, वो सारे काम मेरे हो चुके हैं। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट तो यही था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना था। दूसरा ये था कि मुझे कुछ कपड़ों की स्टिचिंग देखनी थी कि ठीक हुई है कि नहीं है, वो भी काम मेरा हो गया। बाकी भी छोटे मोटे काम थे, जैसे कैट्स को खाना खिलाना या फिर इधर जाना उधर जाना, थोड़ा इसका ये खाना मंगवाना, वो सारे काम हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियोस नहीं बना पाई इन सब चीज़ों की, क्योंकि जब ये सब काम हो रहे थे ना, तो मुझे याद ही नहीं आया कि मतलब मुझे वीडियो बनानी है। मेरे एकदम दिमाग से स्किप हो गया। तो मैं इस टाइम पर अब वीडियो बना रही हूँ, लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है। बहुत रात तो नहीं, मतलब 8:30 का टाइम है।
तो मैं 10 o'clock के अराउंड में खाना खाती हूँ, तो उस टाइम पे फिर मैं वीडियो बनाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि मैंने आज क्या खाया. ठीक है, टिल देन गुड बाय. तो गाइस, कभी कभी मैं सोने से पहले दूध भी पीती हूँ. ठीक है, तो इस समय मैं वही दूध ही बनाने आई हुई हूँ अपने किचन में. तो ये देखिए, ये है मेरा, देखिए दूध है, दूध मैंने डाल दिया इसके अंदर. थोड़ा सा ही दूध चाहिए मुझे, बस ये थोड़ा सा उबल जाएगा, हल्का सा उबलता है तो मैं इसे नीचे से उतार लूँगी. देखिए आप, इसमें ये दूध हमारा उबल चुका है. हाँ, क्या कह रहे हो? ये तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, डॉग्स का ये तो इशू है यहाँ पे. देखो आप, किसी जानवर को तो वैसे, जानवरों को वैसे इल्जाम देना तो सही नहीं है. अब क्या करें, क्या कर सकते हैं? हाँ, लेकिन क्या होता है कि हम तो अब हमें पता है कि कहीं पे शेर है, तो हम तो खुद को बचाएंगे ना. हम ये तो नहीं कहेंगे कि शेर का खाना है, इंसान तो खाने दो उसको. अगर ये जब से कहते हैं मेरी सारी चिड़िया इतने रंग बिरंगे पक्षी, ये यही तो मैंने आपसे बोला था, इसीलिए तो मैंने आपसे पहले कहा था. मैंने कहा देखो, कैट्स का वो चिड़िया विड़िया करके बेचारों का होगा, लेकिन एटलीस्ट वो मर तो नहीं रहे ना, उन्हें वो खुद चले गए ना. हाँ, लेकिन आप समझे नहीं, खुद भाग जाना और ऐसा होना कि मतलब कि कैट्स को किसी ने भगा दिया, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर हो गया ना. और फिर मार दिया किसी ने, मतलब अगर कोई पक्षी मर जाता है कैट्स की वजह से, तो हम बोल सकते हैं ना. अभी तो मैटर ही अलग हो गया ना. पर चलो छोड़ो, क्या है एक्चुअली गाइस, मेरे पास बहुत सारे कैट्स हैं, तो यहाँ पे जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, और वो डॉग्स ऑलरेडी मेरी एक कैट को मार चुके हैं. तो हमारे घर में इस चीज़ को लेके बड़ा इशू रहता है. मम्मी थोड़ी डॉग्स का फेवर करती हैं, मैं भी डॉग्स के फेवर में हूँ, बट एट द सेम टाइम आई लव माई कैट्स ऑल्सो. सो मैं नहीं, ऐसे नहीं कर सकती कि मैं मैं डॉग्स को एकदम प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती हूँ कि चलो गेरी मेरी कैट को तुम खा लो. सो उसको लेके थोड़ा सा हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, वो हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रहती है. तो वैसा ही था. तो अच्छा, मैं आपको दिखा रही थी कि मैं दूध गर्म कर रही थी ना अपना, तो मैं आपको लेके चलती हूँ. अब मैं इसको एक इसमें डाल लेती हूँ. ये मेरा कप है, ये मेरा कप है जिसमें मैं हमेशा दूध पीती हूँ. तो मैं इसमें थोड़ा सा करके ऐसे निकाल लेती हूँ. और मैं इसमें गुड़ डाल के पीती हूँ, तो मैं अब इसमें गुड़ डालूंगी. तो ये रही हमारी गुड़ की डली. ये दिखने में बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन एक्चुअली ये इतनी बड़ी पी नहीं जाएगी. ये बहुत थोड़ा सा बच जाता है इसमें से, फिर मैं उसको नेक्स्ट में यूज़ कर लेती हूँ. तो इट्स लाइक दैट मीन्स, ठीक है. तो गाइस, मैंने आपको दिखा दिया कि अभी मैं दूध अपना मिल्क पीने जा रही हूँ, ठीक है. उसके अलावा मैंने आपको मम्मी हंस रही है. देखो, यही तो होता है ब्लॉगिंग में, हम अपनी छोटी छोटी बातें ही तो डिस्कस करते हैं. देखो, मम्मी खरबूजा निकाल दिया हमारे लिए, सबके लिए. मम्मी ने खरबूजा निकाला हुआ है, ठीक है. अभी हम खरबूजा भी खाने वाले हैं. हमारा हमेशा का, मम्मी बहुत काम करती हैं, मतलब आई नो सारी मम्मी जी बहुत काम करती हैं, पर मुझे ऐसा लगता है मेरी मम्मी 50s में नहीं है, मेरी मम्मी 30s में है. मतलब जिस लेवल पे मम्मी काम करती है ना, मम्मी सच में, मैं मतलब ऑनेस्टली बिलीव करती हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी मम्मी है, बट जिस तरह से मैं इनको काम करते हुए देखती हूँ, ऐसा लगता है कि मम्मी लिटरली अपने 30s में है. मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करती मम्मी के कंपेरेटिवली, मतलब मेरे तो लगता है 5% भी नहीं होता होगा मेरा, इतना ज्यादा मेरी मम्मी काम करती है. तो ऐसे है गाइस, तो अब हम चलते हैं अपना दूध वूध पीने के लिए, ठीक है. फिर हम अपना खरबूजा खा लेते हैं पहले, क्योंकि मम्मी बार बार बोल रही है. तो ये रहा हमारे खरबूजे की प्लेट, ठीक है. अब मैं आपके सामने इसको मम्मी ने दे दिया है, ठीक है. अब मैं एक करके खा रही हूँ आपके सामने. खरबूजा
गर्मियों में ना जो ऐसे फ्रूट्स होते हैं ना जो ठंडे होते हैं उनको खाने का एक मतलब कुछ मज़ा ही अलग होता है. सर्दियों में इतना मज़ा नहीं आता फ्रूट खाने का, लेकिन गर्मियों बहुत मज़ा आता है. सर्दियों में सब्जी खाई जाती है. तो सूप भी मम्मी बनाती थी, मम्मी तो एक्सपर्ट है. मम्मी का अच्छा आप लोग बताओ गाइस, मम्मी को अपने कुकिंग चैनल अच्छा स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे लगता है करना चाहिए. मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, सब फैन है मम्मी के खाने के. वह तो दुनिया की सारी मम्मी से अच्छा ही खाना बनाती है. अच्छा पापा को तो मेरी मम्मी की टंग का फिर ऐसा टेस्ट हुआ है दुनिया का कोई होटल का खाना नहीं खा सकते. दुनिया का कोई होटल का खाना नहीं खा सकते क्योंकि उन्हें हर जगह मम्मी का खाना ही नजर आता है. मम्मी का खाना किधर है? मेरी मम्मी बनाती ही बहुत अच्छी है, स्पेशली पापा के. मुझे एक्चुअली ज़्यादा मैं मिर्चें नहीं खाती हूँ तो मुझे कभी कभी मिर्चें ज़्यादा लगती हैं, लेकिन पापा मेरी मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते हैं बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में. तो पापा को तो बाप रहे, पापा तो मतलब मम्मी के खाने के ना एडिक्टेड है वो. हमारे घर में गाय तो बिलीव करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे घर में कुछ बाहर का खाना आता है ना, समोसा आता है बस, नहीं आता है गोलगप्पे. गोलगप्पे तो बना नहीं सकते ना हम, इसलिए आ जाते हैं. उसके अलावा हमारे घर में बाहर में कभी खाने ही नहीं आता. क्यों? क्योंकि पापा को पसंद ही नहीं है, मम्मी का ही हाथ का खाना पसंद है. ये रीजन है मेरा बस. अच्छा ये उठा के रखो, मम्मी और डाल दिया, इतना मैंने खा लिया था. वाओ अगर वीडियो बनाते हुए खा रही हूँ, वरना मैं हमेशा आराम से रेस्ट करते हुए खाती हूँ. मुझे लगते हुए बचपन में ना मम्मी हमारे लिए खरबूजे की आइसक्रीम बनाती थी और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती थी. इतनी टेस्टी, इतनी टेस्टी की क्या बताऊँ मैं. मैं तो खाने वाऊँगी मीठा मीठा सब बंद कर रखा है, आलू मीठा बंद. आलू और मीठा बंद करने के बावजूद वेट बढ़ रहा है, देख लो. बीच में मैं इतना ज्यादा खाया ना मैं बिल्कुल छूटक हो गया, देखते हैं कब कम होगा. तो भाई ये भी हमारा नाइट का शेड्यूल, ठीक है. अब जो प्रॉपर गुड नाइट होने वाली होगी ना, या फिर हम मे भी हो सकता है मैं खाना खाऊंगी ना क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है. अगर नहीं खाऊंगी तो मैं नई वीडियो बनाऊंगी, अगर खाऊंगी तो मैं वीडियो पक्का बनाऊंगी, नहीं तो अब गुड नाइट के टाइम पे मिलते हैं. बाय गाइस, फाइनली मैं सोने जा रही हूँ और अभी मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि मैंने खाना स्किप कर दिया, बहुत मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था और बिल्कुल भी जगह नहीं थी कुछ भी खाने पीने की. तो फाइनली बस अब मैं सोने जा रही हूँ. सो गुड नाइट आप सब लोगों को भी, गुड नाइट. तो मिलती हूँ मैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में. बाय.